हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, जो सुबह के बज रहे भी 6, तो मैं उठ चुकी हूँ सो के और यहाँ मैं अपने गार्डन में आ चुकी हूँ और यहाँ काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैं टेरेस पे तो नहीं गई, मैं गार्डन में आ गई और यहाँ बैठ के पी रही हूँ मैं अपना गर्म पानी यानी गुनगुना पानी सुबह सुबह। तो मैं आ चुकी हूँ मदर इन लॉ यानी मेरी सासू माँ का रूम है ये, और सारे घर की क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। अब सासू माँ के रूम की बारी है, तो मैं सबसे पहले सासू माँ के रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद बाहर की भी करनी है। बाकी पूरे घर की क्लीनिंग और डस्टिंग अच्छे से हो चुकी है, तो बस सासू माँ के रूम में सबसे पहले मैं सोफ़े को मतलब इस काउच को अच्छे से क्लीन करूँगी। ये मेरी सासू माँ का रूम है, ये उसको अपने अकॉर्डिंग रखती हैं और थोड़ा बहुत मैं अपने अकॉर्डिंग कर देती हूँ उसको, और उनको जैसा पसंद है वैसा ही है ये रूम, उसमें बिल्कुल हम लोग चेंजेस नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत मैं कर भी देती हूँ। और ये तो कुछ चीज़ें थी, कुछ सामान था जो इधर उधर पड़ा हुआ था, तो मैंने सारा सामान अच्छे से सेट किया, सारा सामान अच्छे से लगाया। फिर मैंने इधर वाले काउच भी जो थे सोफे का वो था बेड कम सोफा, तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन किया, उसको साफ किया। और आज मैं चेंज करने वाली हूँ मदर इन लॉ यानी सासू माँ के बेड की बेडशीट, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा मैं बेडशीट तो वैसे बेड पर रहने नहीं देती हूँ, तो काफ़ी दिन हो गए, 3 नहीं 4 या 5 दिन जो हो चुके हैं इनकी बेडशीट को। तो यहाँ मैं अब दूसरी बेडशीट लगा दूँगी उनके, अच्छे से क्लीन करके गद्दे को अच्छे साफ करके। तो यहाँ मैं ना ये वाली बेडशीट लगा रही हूँ। Take it slow, let it go, roll down all the windows. You like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's all fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Are you listening? Hop up, up in the window. Smile and smile, you fade out. Hop up, up in the window. यहाँ पे मेरा सारा सामान एक जगह से अच्छी जगह से सेटअप हो चुका है। अब मैं लगाने वाली सबसे पहले झाड़ू यानी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी इधर पोछा, और फिर मुझे जाना थोड़ा सा बाहर भी, थोड़ा सा डस्टिंग करना है मुझे। तो ये देखिए मेरा सारा काम हो चुका है, पूरी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, सारा सामान एक से जगह दूसरी जगह सेटअप कर दिया है। तो ये था मेरे मदर इन लॉ या मेरी सासू माँ का रूम, अच्छे से सेटअप बन चुका है, झाड़ू पोछा भी हो चुका है वहाँ पे। अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, तो यहाँ सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी फिर पोछा लगाऊंगी। और ये जो रैंप बना हुआ है हमारे गार्डन का, तो जब पेड़ों में पानी दिया जाता है तब रैंप को वॉश कर दिया जाता है, तो दिन में एक बार वो मदर इन लॉ यानी सासू माँ कर देती हैं, या तो मॉर्निंग में कर देती हैं या शाम के टाइम कर देती हैं, क्योंकि जब पेड़ों में पानी डाला जाता है तब। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे गार्डन की अभी क्लीनिंग इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम था, तो गर्मियों में मतलब ये समझ लो कि सारे पेड़ जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए थे सब सूख गए, ख़राब हो गए। तो अब यहाँ पे ना काम चल रहा है गार्डन में, मतलब दोबारा पेड़ निकाल के न्यू पेड़ लगाए जा रहे हैं, तब ये अच्छे होंगे, ये विंटर तक अच्छे हो पाएगा गार्डन पूरा। और अभी हमारे घर का भी काम स्टार्ट होने वाला है, मेन गेट लगने वाला है, मतलब बाहर का जो
गार्डन का है वो सब लगने वाला है। वैसे जैसे ही ये बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाएगा वैसे ही फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। घर में भी काफ़ी सारा काम अभी बहुत सारा बाकी है तो वहाँ भी काम करवाना है, सारा काम अभी बाकी है तो बस बरसात का सीज़न ख़त्म होते ही सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए गार्डन, और मैं यहाँ जब जैसे झाड़ू लगा रही थी ना तो बाहर तो मेरे को ना मोर दिखी, तो यहाँ मोर आई है दाना चुगने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा सा बाजरे डाला था तो यहाँ बाजरा खाने के लिए मोर आ चुकी है। और देखो कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही है ना ये मोर, और ठमक ठमक के चल रही है। तो ये देखिए मैं जैसे ही अंदर आई ना तो यहाँ ये ना सांप का बच्चा पड़ा हुआ था, और ये ना रियल में सांप का बच्चा था, छोटा था लेकिन सांप था। मतलब झाड़ू पोछा हो चुका था पता नहीं फिर भी ये कहाँ से आ गया है, काला कलर का एकदम नाग देवता। तो आज मंडे था, भगवान ने दर्शन दे दिए हम लोगों को। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मज़े में भी होंगे। तो आज है दिन मंडे का और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 या 8 के समथिंग। तो यहाँ मैं सभी कामों से हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री, बस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखो मैंने साड़ी वेयर की है तो मैं जा रही हूँ मंदिर, तो क्योंकि आज मंडे है तो आज मैं और हस्बैंड हम दोनों के दोनों जा रहे हैं, तो मैंने ये साड़ी वेयर की है। और गांव के अंदर जाना पड़ता है हम लोगों को, मतलब गांव में जाना पड़ता है गांव के अंदर, इसलिए हम लोग को मुझे साड़ी वेयर करनी पड़ती है। तो ये देखिए मैंने आज ये अपनी मदर इन लॉ की साड़ी वेयर की है, मुझे काफ़ी दिनों से मन था ये वाली साड़ी वेयर करने का, तो मैंने आज ये वाली साड़ी वेयर की अपनी मदर इन लॉ की, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो, बहुत अच्छी लगती है सिंपल सिंपल। तो बस अब मैं निकलती हूँ और पहले तैयारी कर लूँ सारे सामान की, फिर आप लोगों से मिलूँगी मंदिर में जाके। तो यहाँ पे मैंने साड़ी वेयर की है, और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं साड़ी बहुत ही कम वेयर करती हूँ क्योंकि मैं साड़ी वेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ। मैं 15 मिनट बहुत से बहुत ज़्यादा, मैं आधा घंटे से ज़्यादा साड़ी वेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे जो स्टमक है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। मन तो है लेकिन मजबूरी की वजह से नहीं पहन पाती हूँ। यहाँ पर चल रही है थोड़ी सी मेरी मस्ती, जब तक मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं तब तक। तो यहाँ हो चुकी है मस्ती बिल्कुल ख़त्म, और मैं जा रही हूँ सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े देने के लिए क्योंकि वो रेडी हो नहा लिए हैं, तो रेडी होने के लिए जा रहे हैं वो, तो वो रेडी हो जाएंगे उसके बाद मैं लगा लूँगी जब तक पूजा की थाली वगैरह। तो बस फिर मैं निकलती हूँ मंदिर के लिए, और यहाँ हम लोग आ चुके हैं अपने मंदिर। तो यहाँ सबसे पहले पूजा कर रहे हैं मेरे हस्बैंड यानी मेरे पति देव, तो सबसे पहले उन्होंने अभिषेक किया है। अभिषेक में उन्हें सबसे पहले दूध दही गंगा जल शहद और पानी चढ़ाकर इन्होंने पहले अभिषेक कर दिया है। अभिषेक के बाद चंदन लगा के इन्होंने बेलपत्र चढ़ा दी है, और अब भी सबसे पहले मेरे हस्बैंड पूजा करेंगे उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो मेरी जो पूजा है वो आएगी पार्ट 2 में क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में यानी पार्ट 2 में मंडे को, कि हमने मतलब क्या बनाया था खाने में, और मतलब क्या क्या बनाया था, व्रत था तभी, और कैसे मैंने पूजा की थी। मैं आपको वो हवेली जो मैं बता रही थी वो कहाँ है मैं वो भी दिखाने वाली हूँ कहाँ पे है कैसे है। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट ब्लॉग में।